आज हम देखने वाले हैं हाउ टू डाउनलोड बायोस। बायोस कैसे डाउनलोड किया जाता है, बायोस कैसे डाउनलोड किया जाता है। आपको पता होगा कि जैसे हमारे पास HP, डेल, लेनोवो का जो लैपटॉप आता है तो हमें उसका बायोस चाहिए, तो हम गूगल पे सर्च करके उसका पार्ट नंबर बायोस डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें HP का बायोस चाहिए तो HP के साइट से ही डाउनलोड करें तो कैसे करें। अगर डेल का बायोस है, डेल का लैपटॉप का बायोस है, तो डेल के ही साइट पे जाके डेल का बायोस कैसे डाउनलोड करें। लेनोवो का लैपटॉप का बोर्ड है तो लेनोवो का ही बायोस लेनोवो के साइट से कैसे डाउनलोड करें। एसर का है तो एसर का बायोस एसर की साइट से कैसे डाउनलोड करें। आसूस का होता है, आसूस का बायोस कैसे डाउनलोड करें आसूस की साइट से। क्योंकि हम जितने भी बायोस डाउनलोड करते हैं इंटरनेट की सुविधा से, वो हम थर्ड पार्टी वेबसाइट से करते हैं। जैसे कि आपने करा होगा कभी कभी अली सेलर से, अली सेलर का यूज किया होगा आपने, या आपने क्या होगा लैब ऑन साइट से, लैब वन साइट से, लैब वन साइट से, या आपने SS मैनुअल से किया होगा, ठीक है, या काइथा करके आता है कुछ, एक काइथा पूंजी लिखा होता है उस साइट से। तो ये सब क्या है, हमारी थर्ड पार्टी साइट्स है। ऑफिशियल लैपटॉप का ऑफिशियल बायोस डाउनलोड करने के लिए आपको पर्टिकुलर उसके वेबसाइट पे जाना होता है। तो वो कैसे डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखलाऊं HP का डाउनलोड करके, तो जैसे आप HP गूगल आप ओपन करते हो, आपको यहाँ पे टाइप क्या करना है, सिर्फ HP का अगर मैं दिखलाना चाह रहा हूँ आपको, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है सिर्फ और सिर्फ HP ड्राइवर। क्या लिखना है आपको, HP ड्राइवर, बस आपको इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है या फिर आप इसको सर्च को आगे ले जाओ। इसके बाद जो आपके सामने ये स्क्रीन नजर आती है, support.hp.com.in ड्राइवर, ये हमें देखना होता है, ठीक है, ये हमें देखना होता है, ये वाला, ठीक है, आपको यहीं पे देखना होता है। ये साइट होती है, वेबसाइट इसी को कहते हैं, ये तो नहीं कहते, ये हमारा नाम होता है, ठीक है, साइट ये होता है। तो हमें इसको नजर में रखना है हमेशा, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर आप नहीं क्लिक करो, किसी पे भी कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आती है वो कुछ इस तरह की आती है। अब यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा जाता है कि आप लैपटॉप का कुछ ढूंढ रहे हो HP पे, या डेस्कटॉप का ढूंढ रहे हो, या प्रिंटर का ढूंढ रहे हो, या फिर कोई और चीज। तो मेरे को लैपटॉप का ढूंढना है, क्या ढूंढना है, तो पहले आपको लैपटॉप पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको क्या है, यहां पे आपसे पूछता है ये, यहां पे ये एंटर सीरियल नंबर, या कहता है आपको डिटेक्ट योर प्रोडक्ट। डिटेक्ट योर प्रोडक्ट पे हमें जब क्लिक करना होता है, जब आप उसी लैपटॉप पे बैठे हो, तो आपको उसी लैपटॉप का कुछ भी चाहिए तो आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आप दूसरे लैपटॉप का कुछ डाउनलोड करना चाहते हो दूसरे लैपटॉप से, दूसरा लैपटॉप है मेरा जो कि मैंने खोल के रख रखा है, उसका बायोस चाहिए, तो आप तो अपने लैपटॉप पे बैठे हो ना, दूसरे लैपटॉप पे तो हो नहीं, तो आपको क्या करना होता है, उस लैपटॉप का सीरियल नंबर डालना होता है। क्योंकि आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के पीछे आपने देखा होगा कुछ सीरियल नंबर, कुछ टैग नंबर है ना लिखे होते हैं, सीरियल नंबर हैश करके आगे कुछ कुछ गिनती होती है ऐसे करके। ये जो सीरियल नंबर है वो गिनती आपको टाइप करना होता है इसमें। एग्जांपल बता रहा है कि आप इस तरह का आता है नंबर, वो आप इसमें डाल दो। तो मैं सपोज करता हूँ मेरे पास एक होगा बैकअप, वो सीरियल नंबर होगा मेरे पास HP का। जैसे मैं सीरियल नंबर एक बार ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास। जैसे मेरे पास ये टेलीग्राम है, मैं इस पे, मेरे पास ये बैकअप जो है यहाँ पे रखा हुआ है, किस पे है,
एक मिनट, मैंने पास जो है वो, एक मिनट नेट बंद हो गया सर, नेट चालू कर लेता हूँ मैं। हाँ तो ये जो है मेरा दीपक, ये तो डेल का है शायद, एचपी का देख लेता हूँ, एचपी का कहाँ है, ये रहा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास ये एचपी का लैपटॉप है, यहाँ पे ये सीरियल नंबर की कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये है 15Q-BU00NTU, ये मॉडल नंबर है, ये मॉडल है, और ये SNSCND73181HM, ये हमारा सीरियल नंबर है। आप या तो मॉडल नंबर डाल दो या सीरियल नंबर डालो, इन दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मॉडल नंबर डालूंगा, इसके लिए मैं पहले नोट कर लेता हूँ इसको, 15Q-BU00NTU, और इसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर लिया मैंने, मॉडल नंबर कॉपी कर लिया। आप हो सकता है तो सीरियल नंबर भी टाइप कर सकते हो, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर डालो, लेकिन यहाँ मॉडल नंबर डालने से भी काम हो जाता है। जैसे मैंने ये डाल दिया, तो आप, मैंने जैसे ही डाला है आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट शायद ये चला जाता है, टी यू, यहाँ पे कई सारे सीरीज आ गए, एचपी 15Q00 लैपटॉप, BU100 है ना, बहुत सारे आ गए, लेकिन मेरा जो है सबसे ऊपर वाले, इसी पे सर्च कर दो आप सबमिट, आपको इसमें से कोई क्लिक नहीं करना, आप सबमिट कर दो यहाँ पे, क्योंकि हमारा तो मैच कर ही नहीं रहा इससे, है ना, क्योंकि कह रहा है मिलता जुलता है क्या आपका इससे, नहीं, मेरा तो एग्जैक्ट में यही है, तो मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ऊपर से नीचे तक मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे तो इसने कुछ दिया ही नहीं मेरे को, लैपटॉप दिखा दिया मेरे को, आप देख सकते हैं ये लैपटॉप है जिसका मैंने सीरियल नंबर डाला, एचपी ने मेरे को बता दिया आपने जो सीरियल नंबर डाला है वो इस लैपटॉप का है, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपके पास इसी तरह का लैपटॉप मिल जाएगा, होम सीरीज का, ठीक है। आपके पास जो लैपटॉप होगा तो उसी का सीरियल नंबर डालोगे ना आप, तो आपके पास जैसे सीरियल नंबर डालोगे आपको दिखला देगा ये लैपटॉप है क्या, ठीक है। तो इस तरह के तो बहुत सारे लैपटॉप है, लेकिन एग्जैक्ट में यही है। कैसे पता चला, यूनिक नंबर होता है हमारा एक सीरियल नंबर, हर पर्टिकुलर लैपटॉप का एक अलग सीरियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये, लेकिन यहाँ पे जब मैंने सीरियल नंबर पे क्लिक, सीरियल नंबर टाइप किया, नेक्स्ट किया, तो आगे पीछे तो मेरे को कुछ मिला नहीं। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको यहाँ पे चूज करना होता है, चूज डिफरेंट ओएस। जब तक आप चूज डिफरेंट ओएस पे क्लिक नहीं करोगे, जब तक आपको और कुछ नहीं दिखाने वाला है, तो आपको यहाँ पे चूज डिफरेंट ओएस पे क्लिक करना है, ठीक है। आप इस पे सेलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करो, आपको यहाँ विंडो पे क्लिक करना है। विंडो पे क्लिक करने के बाद वर्जन, इसमें से जो वर्जन है आप कोई ऐसा भी ले लो, ठीक है, हो सके तो सबसे नीचे वाला वर्जन ले लो। नीचे वाला मैंने क्लिक किया और चेंज पे क्लिक कर दिया। देखो अभी ये लोड हो रहा है, जैसे मैंने ये क्लिक किया उसके बाद अभी मेरे को ये कुछ एचपी देने वाला है। अभी देखो यहाँ पे दिया इसने मेरे को, इसने मेरे को क्या दिया, ऑल ड्राइवर है। अब आपको यहाँ एक्सपेंड करना पड़ेगा इसको, आप इस पर प्लस पे क्लिक करो। जैसे आप प्लस पे क्लिक करते हो, आपको मिल गया इसका सारा ड्राइवर, मतलब इस लैपटॉप का जो जो ड्राइवर एचपी ने बना के रखा है अपने साइट पे, वो सब आपको मिल गया। देख सकते हो कई सारे चीजें हैं इसमें, है ना, बहुत चीजें हैं, जिसमें से मेरे को क्या चाहिए, बायोस। तो आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, एक्सपेंड करना है, और ये बायोस सिस्टम फर्मवेयर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, बस आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा, अब यहाँ पे इस तरह का आता है एचपी में, तो आपको पहले इसको कट करना है। जब तक आप इसको कट नहीं करोगे, आपका बायोस डाउनलोड नहीं होगा। देखो जैसे मैं इसको कट करता हूँ, बायोस अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे मेरा बायोस डाउनलोड हो जाएगा। आप देखो यहाँ लिखा है हेयर योर फाइल, क्लिक योर रन एंड ब्राउज विंडो टू इंस्टॉल, यहाँ पे आपकी फाइल आ चुकी है। तो ये मेरा क्या है, बायोस डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो मैंने सिंपली 2 से 3 स्टेप में मैंने अपना बायोस डाउनलोड कर लिया, ठीक है। इसी तरह आपको एचपी का बायोस डाउनलोड करना है। चलो मैं एक डेल का आपको दिखा देता हूँ कि डेल में कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, डेल ड्राइवर, जैसे आपने उसमें एचपी ड्राइवर लिखा था, इसमें भी आपको डेल ड्राइवर लिखना है, और यहाँ आपको नेक्स्ट एंटर मार देना। जैसे आप एंटर करते हो, तो आप ये याद रख लो, ये साइट हमेशा आनी चाहिए आपके पास,
www.dell.support.hp/home/apdi करके आता है ये, ठीक है। आपको इसी पे क्लिक कर रखना है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता हूँ मैं सीधा ये स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या करना होता है, सेम जैसे आपने एचपी में क्लिक किया था तो आपने सीरियल नंबर डाला था, यहाँ पे भी वही कह रहा है, इंटर डेल का सर्विस टैग या ईएमसी प्रोडक्ट या मॉडल नंबर कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दो। आपका कौन सा लैपटॉप है इसको बताना पड़ेगा ना, उसने उस लैपटॉप का सारा बायोस साउंड मतलब जितने भी ड्राइवर होते हैं सब इसने रखे हैं, तो आपको उसका यूनिक नंबर बताना पड़ेगा कौन सा लैपटॉप है। तो मेरे पास एक डेल का भी है, मैं आपको डेल का भी दिखाता हूँ एक बार। जैसे ये मेरा मॉडल नंबर है, क्या है मेरा मॉडल नंबर आप यहाँ नोट कर सकते हैं, ये मार्क क्या है, लेटिट्यूड E7400, ठीक है 7400 आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मार्क है, यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है लेटिट्यूड, हल्का सा दिख नहीं रहा है ये, और ये लिखा हुआ है E7440, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाके यहाँ मॉडल भी कह रहा है कि आप मॉडल भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखना है आपको E7440। तो मेरा कौन सा था, लेटिट्यूड, एक पावर एज होता है और एक लेटिट्यूड होता है, तो मेरा लेटिट्यूड था, मैंने इस पर क्लिक किया और ये आ गया मेरे सामने, इसने ये लैपटॉप दे दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है, हल्का सा नीचे आना है आपको, एक मिनट। जैसे आप नीचे आते हो आपको यहाँ फाइंड ड्राइवर पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको फाइंड ड्राइवर, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं अभी क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसके नीचे सब कुछ है आ गई, आप देख सकते हैं ये डेल लेटिट्यूड सिस्टम बायोस, वाईफाई का ड्राइवर है, एमई है, ब्लूटूथ का ड्राइवर है, ठीक है। आप जिसका ड्राइवर लेना चाहते हो आप ले सकते हो, या बायोस लेना चाहते हो तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है डेल लेटिट्यूड 7440 सिस्टम बायोस, ठीक है। आपको यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है सिंपली, ठीक है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपका बायोस डाउनलोड हो जाएगा। देखो मैं क्लिक करता हूँ इस पे डाउनलोड पे, मैंने इस पे क्लिक किया और आप यहाँ मार्क कर सकते हैं कि मेरा बायोस डाउनलोड हो चुका है, यह 7440 08, ये इसका इस तरह से डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो आप बड़े आसानी से एचपी हो या डेल हो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं लेनोवो आसुस का आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, अभी हम इसी वीडियो में देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगला बायोस कैसे डाउनलोड किया जाता है अलग कंपनी का वो देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।